हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। और एक बार फिर आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, क्योंकि ये जो वीडियो है आज का, इसके लिए मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी। मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था दैट देर आर लिक्योर्स दैट यू कैन मेक एट होम, और कुछ लिक्योर्स मैंने आप लोगों को बना के दिखाई। लेकिन एक लिक्योर जिसके बारे में लोग मुझसे हर दूसरे दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, यूट्यूब पे कमेंट आते हैं कि इसके बारे में बताइए कैसे बनता है, एंड दैट इज बेलीज। यस, बेलीज, या फिर हम कह सकते हैं क्रीम लिक्योर। हाउ डू यू मेक इट एट होम, ये क्वेश्चन मुझसे लोग बहुत पूछते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट रियली, आई मीन ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं क्यों नहीं बताता था, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल रेसिपी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट रेसिपी नहीं है, कोई भी ईजिली बना सकता है उसे। बट इट टुक मी सम टाइम, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आज फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो बना दें, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो कुछ बनाया भी नहीं था और ये वाला वीडियो तो बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो आई थॉट कि वाई नॉट स्टार्ट विद दिस। अब आपको बेलीज बनाने के लिए, क्रीम लिक्योर बनाने के लिए, अब नॉर्मली अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपको दो ढाई हज़ार की बॉटल मिलेगी। दिल्ली में अगर आप दूसरी और किसी स्टेट में रहते हैं, बॉम्बे में, हो सकते हैं और महंगी, 4,000 तक की पड़े। बट इट्स एक्चुअली रिलेटिवली वेरी चीप टू मेक इट, आप अराउंड 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ तक में बना सकते हैं इसे घर पर, एंड इट टेस्ट जस्ट द सेम, बिलीव मी इट टेस्ट द सेम, इन सम केसेस इट टेस्ट इवन बेटर। कैसे, लेट्स फाइंड आउट। सो बेसिकली बेलीज इज क्रीम लिक्योर, और जब हम बात करते हैं, अगर स्पेशली बेलीज की बात करूँ, उसमें वो आता है आयरलैंड से, और उसमें आयरिश विस्की का यूज़ होता है। यू कैन यूज़ आयरिश विस्की, यू कैन यूज़ जेमसन, बट मैंने जो लास्ट टेस्ट की है, आई गॉट ग्रेट रिजल्ट्स थ्रू 100 पाइपर्स 8 ईयर्स ओल्ड, एंड आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड कि आप ये ट्राई कर सकते हैं। इफ़ यू गाइज वॉन्ट, यू कैन ऑल्सो यूज जेमसन, दैट्स रियली अप टू यू। उसके अलावा आपको चाहिए क्रीम, नॉर्मली आपको क्रीम मार्केट से मिल जाएगी। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक अ 750 ml बैच। 750 ml के लिए आपको चाहिए 180 ml विस्की, 180 ml ऑफ क्रीम, एंड 180 ml ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, यानी कि जो मिल्क मेड जैसे कहते हैं हम, कंडेंस्ड मिल्क होता है, इट्स एक्सट्रीमली स्वीट, बट यही वो स्वीटनेस लेकर आता है। उसके अलावा देर आर सम ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स दैट यू कैन पुट मे बी सम वनीला एसेंस, अगर आपके पास रियल वनीला है आपके पास, यू कैन यूज दैट, अदरवाइज यूज मे बी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। इफ यू लाइक एग, देन यू कैन ऑल्सो यूज एन एग वाइट, एंड बिलीव मी एग वाइट रियली रियली एनहांसेस द फ्लेवर, जो कि एक क्रीमीनेस लेकर आता है, एक टेक्सचर लेकर आता है उसके अंदर, इट रियली रियली मेक्स इट इवन बेटर देन रेगुलर बेलीज। रेगुलर बेलीज में एग का यूज़ नहीं होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नॉर्मली एग कंज्यूम कर लेते हैं, देन यूज़ वन एग वाइट, इट विल रियली एनहांस द टेस्ट। उसके अलावा यू कैन ऐड फ्लेवर्स लाइक चॉकलेट सिरप, आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू योर क्रीम लिक्योर टू बी चॉकलेट ड्रिवन, चॉकलेट का फ्लेवर चाहते हैं उसमें। यू कैन ऑल्सो इवन पुट वन सैशे ऑफ और टू सैशे ऑफ एस्प्रेसो कॉफी, जो इंस्टेंट कॉफी होती है, नेस्कैफे, वो डाल सकते हैं आप, दैट विल ऑल्सो एनहांस द फ्लेवर। और यू कैन ऑल्सो यूज़ कैरमल फ्लेवर, विच आई एम गोइंग टू यूज़ टूडे इन माई क्रीम लिक्योर, इट विल टेस्ट रियली गुड, मैंने ट्राई किया हुआ है। और भी बहुत सारे सिरप्स आते हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर, जस्ट नीड टू एड अराउंड 30 ml और 60 ml, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, एंड योर वन बैच ऑफ क्रीम लिक्योर इज रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसे कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है, डजन रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट, यू जस्ट नीड अ मिक्सर ग्राइंडर, दैट्स इट। जी हाँ, मिक्सर ग्राइंडर चाहिए आपको, लीजिए, उसमें डालिए पहले अपनी 180 ml क्रीम, देन 180 ml ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, एंड अगेन दिस स्टफ इज वेरी स्वीट, इट्स प्रीटी हाई इन कैलोरी ऑल्सो, सो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ ड्रिंक जो आप मतलब हर रोज पीना पसंद करेंगे, दिस इज वंस इन अ वाइल वाला ड्रिंक है ये, इट्स मोर ऑफ अ डिजर्ट लिक्योर, कभी कभी पीने के लिए, आप खाने के बाद अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है, यू कैन हैव अ 30 ml शॉट ऑफ दिस, दैट्स ऑल यू नीड। रेगुलरली मत पीने लग जाना भाई इसको, आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल। उसके बाद वी आर गोना पुट 160 ml ऑफ विस्की, एंड एज आई सेड आई एम यूजिंग 100 पाइपर्स 8 ईयर्स ओल्ड, यू कैन यूज़ जेमसन, यू कैन यूज़ सिंगल मॉल्ट एज वेल, ऑल्दो आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। पहले विस्की को मैं इसमें डालता हूँ, सो दैट इसको अच्छे से हम
मिक्स कर ले, कंडेंस मिल्क काफी जमा हुआ है नीचे, वो निकल जाएगा। यू कैन यूज अ बार स्पून टू मिक्स इट अप एंड उसकी उससे आपका जो कंडेंस मिल्क है वो सारा यूज हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। ऑल राइट, एंड यू कैन यूज द सेम विद, यू कैन डू द सेम विद क्रीम एज वेल। 60 ml ऑफ विस्की इन द क्रीम, अच्छे से उसे हिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए एंड देन पोर इट इन योर ग्लास एंड 60 more ml ऑफ विस्की डायरेक्टली इन द जार। ऑलराइट, उसके बाद हम डालेंगे एक एग वाइट। यू जस्ट नीड एग वाइट। अब एग से वाइट और योग को कैसे सेपरेट करते हैं, ये आई थिंक ज़्यादातर लोगों को आता है जो कुक करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं आता। उसके बहुत सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, बट इट्स वेरी इजी। जब आप एग को खोलें तो बहुत ही ध्यान से खोलें, ये देखिए बहुत ही आराम से आप खोलेंगे इसे, और फिर योग को दूसरे हाफ में शिफ्ट करिए और उससे जो वाइट है वो सारा अलग हो जाएगा और योग रह जाएगा। ये देखिए योग आपका रह गया, वाइट निकल गया, बस इसे आप दूसरे कहीं फेंक दीजिए। इफ़ यू लाइक, अगर आपको कच्चे अंडे खाना पसंद है तो आप खा सकते हैं योग को। एंड आई एम गोइंग टू पुट सम कैरमल एज वेल, सो लेट्स पोर सम कैरमल। ओके दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है बस। एंड नाउ यू जस्ट नीड टू मिक्स इट फॉर 30 सेकेंड इन योर मिक्सर ग्राइंडर, अच्छे से कवर कर लेंगे एंड मिक्सर ग्राइंडर को यहाँ लेके आते हैं एंड देन ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी कि काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया सब कुछ। यू कैन जस्ट यूज द स्पून एंड टेस्ट योर क्रीम लिक्योर, इट डजेंट टेक वेरी लॉन्ग। बट अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा फ्लफी हो और ज़्यादा टेक्स्चर आए, यू कैन मे बी मिक्स इट फॉर अनदर 30 seconds, बट आई एम टेलिंग यू दिस हैज़ कम आउट परफेक्टली। इट्स टेस्टिंग रियली रियली यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसलिए मैं कब छोटे बैचेस बनाता हूँ कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। एंड यूजली आई टेक इट माई ऑफिस, या मैं कोई घर में पार्टी होती है तो उसमें मैं बनाता हूँ। इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज अ हिट। लेट्स पोर अ प्रॉपर 30 ml और उसके बाद टेस्ट करते हैं। एंड चीयर्स एवरीवन। वाओ, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टेस्टी। एंड दैट्स इट, सिर्फ इतना ही करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है कुछ, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मतलब आई डोंट नो कि लोग क्यों 2,500-3,000 खर्च करते हैं इसके लिए। इट टेक्स हार्डली 2 minutes, 2 minutes से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको। अगर सारे इन्ग्रीडियंट्स आपके पास हैं, मुश्किल से 1 से 2 minutes लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा। बस इसे चिल्ड करिए, ओवरनाइट चिल्ड करके भीजिए, उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी रूम टेम्परेचर में इट इज़ टेस्टिंग वेरी, इट्स वेरी टेस्टी, बट थोड़ा मीठा होता है, ठंडा होता है, ज़्यादा मज़ा आता है। बट नाउ यू गाइज नो, और घर में ज़रूर ट्राई करिए इसे, मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी, और जब आप घर में बनाएंगे तो कैसे लगा आपको, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी कैन डू विद दिस, क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं इसमें, व्हाट एल्स कैन वी डू विद दिस, मुझे बताइए कमेंट्स में। डोंट वरी, रेगुलर वीडियोज़ बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। आई नो थोड़ा गैप आ रहा है वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट डोंट वरी, कहीं नहीं जा रहे हम लोग। मेरा पैशन अभी भी उतना ही है, बस थोड़ा चीज़ें थोड़ी मुश्किल चल रही हैं। बट लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।